स्वागत है आपका हमारे चैनल नवल आईटी स्टूडियो में। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं पंचायत सहायक पोर्टल के बारे में। तो पंचायत सहायक पोर्टल पे हम कैसे अपने यूजर आईडी को लॉगिन करेंगे, कैसे पासवर्ड चेंज करेंगे और साथ में जो है कि हम कैसे उस पर कार्य करेंगे। तो चलिए, हम देर न करते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल नवल आईटी स्टूडियो को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि कोई भी अपडेट हो, कोई भी जानकारी हो, आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए फिर हम बढ़ते हैं अपने ब्राउज़र की ओर। सबसे पहले हम अपना क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेते हैं और साथ में जो हमारा जो वेबसाइट है, वेबसाइट आपको ध्यान रखना कि वेबसाइट क्या है, तो upgpsaha.in है, ठीक है। तो आप इसको टाइप करके आप एंटर दबाएंगे। जैसे ही आप एंटर दबाएंगे आपको कुछ इस तरीके से इंटरफेस दिखाई पड़ेगा उत्तर प्रदेश पंचायत सहायक पोर्टल का। जो आपका ये पोर्टल है ये आपको कुछ इस तरीके से दिखाई पड़ेगा और यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिलेंगे। एक आपको यहाँ पे मिलेगा योजना का और एक दूसरा यहाँ मिलेगा लॉगिन का, ठीक है। तो योजना पे अगर आप क्लिक करेंगे तो जो भी योजनाएं होती हैं उसके बारे में आपको यहाँ पंचायत सहायक पोर्टल पे आपको पूरी जानकारी, जो भी योजनाएं हैं ग्राम सभा में आपके सभी योजनाएं आपको यहाँ पर दिखाई पड़ेंगी। जैसे परिवार से संबंधित योजनाएँ हैं, पेंशन से संबंधित योजनाएँ हैं, श्रमिकों से संबंधित योजनाएँ हैं, या फिर शिक्षा व प्रशिक्षण से संबंधित योजनाएँ हैं, या फिर छात्रवृत्ति से संबंधित योजनाएं हैं। जो भी योजनाएं होती हैं आपके गांव में जो भी होने वाली हैं उन सभी जो एक योजनाएं आपको यहां पे प्राप्त हो जाती हैं, ठीक है। इसके साथ ही हम आते हैं बैक और हम आते हैं अपने लॉगिन पे। आईडी को लॉगिन कैसे करें, तो लॉगिन पे हम क्लिक करेंगे। जैसे आप क्लिक करेंगे कुछ इस तरह से इंटरफेस आपके स्क्रीन पर दिखाई पड़ेगा और जैसे आपको ये इंटरफेस दिखाई पड़े यहाँ पर आपको अपना यूज़र नेम टाइप करना है। जैसे मान लीजिए मेरा यूज़र नेम है 4 9 1 8 5। इसके साथ ही आपको जो पासवर्ड मिला होगा, पासवर्ड आपको दिया गया होगा, तो अधिकांश लोगों तो उनके विलेज नेम ही होता है डिफ़ॉल्ट रूप से मिला हुआ है सबको, तो उनका विलेज नेम पासवर्ड में दिया गया है। लेकिन आप उसको पासवर्ड को अवश्य चेंज कर लेंगे, नहीं तो अगर आप पासवर्ड को चेंज नहीं करते हैं तो कोई अन्य व्यक्ति भी जो है कि उसको लॉगिन करके पासवर्ड चेंज करके जो है कि प्रॉब्लम खड़ी कर सकते हैं और आपको जो है कि पासवर्ड नहीं मिलेगा फिर, या फिर जो है कि ज़्यादा समस्या आएगी, ठीक है। तो इसलिए जैसे ही आपको आईडी पासवर्ड मिले तो आप तुरंत अपना पासवर्ड जरूर चेंज कर लें, ठीक है। तो चलिए मैं क्या करता हूँ, अपना पासवर्ड डाल करके लॉगिन कर लेता हूँ। तो मैंने क्या किया, अपना पासवर्ड टाइप कर दिया, यहाँ पर लॉगिन पे क्लिक किया। ये हमारा देखिए दे रहा सक्सेसफुली लॉगिन, प्लीज़ वेट। इस तरीके से आपका जो लॉगिन होगा पेज, तो जो आपका पोर्टल पे लॉगिन करेंगे तो कुछ इस तरह से इंटरफेस आपको दिखाई पड़ेगा। इस इंटरफेस आने के बाद आप डैशबोर्ड पर अगर आप क्लिक करेंगे तो कुछ देखिए इस तरह से इंटरफेस दिखाई पड़ेगा डैशबोर्ड पर। उसके बाद हम आते हैं देखो फैमिली डिटेल में। जब हम आएंगे तो यहाँ पे आपको सबसे पहले काम करना है फैमिली डिटेल में आपको सर्वे करके लोगों को ऐड करना है, ठीक है। देखिए यहाँ पे जो है कि आपका ऐड न्यू का ऑप्शन दिया हुआ, तो ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपका इंटरफेस खुल जाएगा। अब इसमें जो है कि किसी को भी आप ऐड कर सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे सबसे ऊपर कोने पे लिखा हुआ है कि सर्वे निर्धनतम परिवार या टोले से शुरू करें, यानी कि जो भी आपका जो सर्वे है ये सर्वे कहाँ शुरू करना है आपको, निर्धनतम परिवार जो भी या फिर टोला हो वहाँ से आपको शुरू करना है। तो देखिए यहाँ पे जो है कि स्टेट, मंडल, जिला, ब्लॉक और ग्राम पंचायत आपका ऑलरेडी सिलेक्टेड होगा। जो आप आईडी लॉगिन करेंगे तो आपका ग्राम पंचायत की, इस ग्राम पंचायत की आईडी होगी वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। इसके बाद यहाँ पर एक गांव या फिर विलेज पूछ रहा है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि आपको गांव का नाम लिखना है जिस गांव का आप करें। देखिए ग्राम पंचायत और गांव में अंतर है। देखिए ग्राम पंचायत में आपको होता है एक से अधिक गांव यानी कि राजस्व ग्राम, गांव का मतलब यहाँ पे क्या है राजस्व ग्राम। तो राजस्व ग्राम जैसे मान लीजिए मेरे यहाँ दो राजस्व ग्राम है, पुरैना और अमृतपुर, तो मैं क्या कहता हूँ राजस्व ग्राम मैं यहाँ लिखता हूँ पुरैना, ठीक है। मैंने यहाँ लिख दिया पुरैना, ठीक है। अब यहाँ पर टोला सड़क पूजा, टोला यानी कई सारे मोहल्ले जो हैं कि मजरे होते हैं आपके ग्राम सभा में, ग्राम पंचायत में, तो वहाँ पे किस जो है कि मजरे का, किस टोले का जो है कि आप सर्वे कर रहे हैं उस टोले का नाम लिखना है। जैसे मान लिए मैं यहाँ क्या करता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ नयापुरवा, ठीक है। और यहाँ पे घर का नंबर, जो मकान नंबर होगा मकान नंबर आपको यहाँ पे एंटर करना होगा, ठीक है। समझिए मैंने मकान नंबर आप 1 से शुरू कर दीजिए। इसके बाद घर का मुखिया का नाम, घर के मुखिया का नाम क्या, जैसे मान लीजिए घर के मुखिया का नाम है राजेश कुमार, ठीक है, तो मैंने उसको टाइप कर दिया। इसके बाद इसकी जाति, कास्ट क्या, तो कास्ट समझ लिया कि हमारा इसका है ओबीसी, तो मैंने कर दिया ओबीसी। इसके बाद हम नीचे बढ़ते हैं और यहाँ आने के बाद घर का प्रकार, इनका घर कैसा बना हुआ, कच्चा बना हुआ है, पक्का बना हुआ है, तो इसे मान लीजिए इनका घर पक्का बना तो हमने पक्का कर दिया। उसके बाद घर का स्वामित्व, यानी कि जो घर का ऑनरशिप है वो क्या है, यानी कि इनका निजी मकान है या फिर किराए का घर है। तो अगर निजी है अधिकांश, तो गांव में अगर आप देखेंगे तो सबका जो है कि अपना ही मकान होता है, किराए पे तो लगभग कोई नहीं रहता है, सब लोग जो है कि उनका निजी मकान होता है,
ठीक है। लेकिन अगर किराए का भी कोई रह रहा है तो वहाँ पे आप लगाएंगे किराए का घर, और अगर आपका उनका निजी मकान है तो आप करेंगे अपना मकान। ओके, फिर है बिजली की उपलब्धता। आप पता कर लेंगे कि उनका बिजली का कनेक्शन है उनके यहाँ, फिर अगर नहीं है तो आप नहीं लगा दीजिए। समझ लीजिए यहाँ बिजली कनेक्शन नहीं है तो मैंने लगा दिया नहीं। फिर है घर में शौचालय की उपलब्धता, शौचालय बना हुआ है कि नहीं बना हुआ, अगर शौचालय बना हुआ है तो आप क्या करेंगे यहाँ पे, हाँ कर देंगे। फिर एक BPL के तहत, जो BPL के अंदर अगर इनको, अगर आप BPL कार्ड, अगर आप कार्ड भी देखेंगे राशन कार्ड जो होता है, तो BPL के तहत परिवार है कि नहीं, BPL है कि नहीं है, तो आप अगर BPL हैं तो ठीक, अगर नहीं है तो लिख दीजिए कि नहीं BPL नहीं है। ओके, और फिर परिवार के पास राशन कार्ड है कि नहीं है, तो देखिए यहाँ पर जो है कि अंत्योदय राशन कार्ड है, कि पात्र गृहस्थी राशन कार्ड है, या फिर कोई राशन कार्ड नहीं है, तो जो भी इस प्रकार का राशन कार्ड होगा वो आप करेंगे। अगर नहीं है तब भी कोई बात नहीं, जैसे मान ली इनके पास पात्र गृहस्थी राशन कार्ड है तो पात्र गृहस्थी राशन कार्ड में हमने इसको ऐड कर दिया। इसके बाद नीचे लिखा है कि पानी के पीने के पानी का स्रोत क्या है, कि पीने के पानी जो है कि घर में पाइप से आता है, या फिर आंगन प्लाट का पाइप है, पब्लिक टोटी है, या फिर ट्यूबवेल है, ढका कुआं, खुला कुआं, या फिर जैसे भी बरसात का पानी, टैंकर ट्रक, या फिर छोटे टैंक वाली गाड़ी है, या फिर सतही पानी जैसे नदी नाला झील तालाब का पानी, या फिर बोतल का पानी, या फिर सरकारी हैंडपम्प का पानी, किस तरह का पानी इस्तेमाल होता है। तो अधिकांश लोगों में घर में हैंडपम्प ही होगा, गांव में तो घर का हैंडपम्प या फिर सरकारी हैंडपम्प जो भी आपका हो आप इसको क्लिक कर लेंगे। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे जो है कि घर में हैंडपम्प, कुछ लोग जैसे मान लीजिए अगर हैंडपम्प नहीं है तो पड़ोसी के घर में अगर हैंडपम्प है उनका इस्तेमाल कर रहे हैं तो यहाँ पर लगा देंगे पड़ोसी के घर हैंडपम्प। ओके, तो इनके घर में हैंडपम्प ऑलरेडी है तो हम क्या करेंगे घर में हैंडपम्प टिक कर देंगे, और हम क्या करेंगे यहाँ पे सेव करेंगे। क्या करेंगे यहाँ पे सेव करेंगे, जैसे आप सेव पे क्लिक करेंगे आपको देखिए यहाँ ऊपर दे दिया सेव सक्सेसफुल, जो हमने डेटा एंट्री किया वो आपका सेव हो चुका है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा एक डेटा जो है हमारा ऑलरेडी सेव हो चुका है। अब हम क्या करते हैं यहाँ पे आते हैं फैमिली अब हम आते हैं डैशबोर्ड पे। ठीक है, जैसे हम डैशबोर्ड पे आएंगे देखिए यहाँ पे जो है हमने फैमिली डिटेल में एक को ऐड कर दिया है। ठीक है, तो ये हमको कहाँ मिलेगा, इसे हम आते हैं रिपोर्ट्स में, कहाँ आते हैं रिपोर्ट में, और यहाँ पर हम करते हैं कॉस्ट कैटेगरी। क्या करते हैं कॉस्ट कैटेगरी करते हैं, तो देखिए हमारा जो है कि एक डिटेल यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है, जैसे मेपुर हुआ, पुराना नाम का राजेश कुमार नाम है इनका। ठीक, यूनिक आईडी बन गया, और ये किस कार्ड से हैं, OBC से हैं। ठीक है, तो ऐसे जो भी आप फिल करते जाएंगे वो डिटेल आपको यहाँ पे रिपोर्ट में मिलता जाएगा। देखिए यहाँ पे हमने कहते हैं कॉस्ट कैटेगरी हम करते हैं हाउस टाइप। ठीक है, जब आप हाउस टाइप करेंगे तो घर के प्रकार के हिसाब दिखाई देगा किसका घर कैसा है, ये आपको यहाँ डिटेल दिखाई पड़ेगा। ठीक है, यही अगर आप यहाँ करते हैं वाटर, तो वाटर के अनुरूप वाटर का क्या मतलब सुविधा है उसके अनुसार आपको यहाँ पे दिखाई पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसा ही जो है कि अलग अलग जो सिस्टम है आपका, अलग अलग जो रिपोर्ट है, अलग अलग रिपोर्ट आप यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, टॉयलेट एट होम, टॉयलेट है कि नहीं उसके अनुसार देख लीजिए, तो यहाँ पर घर में शौचालय की उपलब्धता हाँ है। ठीक है, तो ऐसे इस तरह से जो है कि आप जो भी डेटा आप फिल करेंगे आपका इस तरीके से सेव होता जाएगा। और साथ में क्या करना, अगर आप चाहते हैं इस डेटा को प्रिंट करना है तो आप यहाँ पे प्रिंट पे क्लिक करेंगे, और प्रिंट पे क्लिक करने के बाद ये जो कि आपका यहाँ से प्रिंट भी कर सकते हैं। ठीक है, इसको आप यहाँ से Ctrl+P प्रेस कीजिए और यहाँ से आपका प्रिंट भी हो जाएगा डेटा, आप इसको प्रिंट भी कर सकते हैं। ओके, तो प्रिंट करने की सुविधा तो दी गई है, साथ में जो है और भी सुविधाएं दी गई, जैसे कि आपका इस डेटा को कॉपी कर सकते हैं, कॉलम की विजिबिलिटी को भी जो है कि आप देख सकते हैं कौन कौन सा कॉलम विजिबिलिटी दिखा रहा है ये भी सेट कर सकते हैं, साथ में CSV फाइल फॉर्मेट में भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, और इसके तक जो है कि आप एक्सेल के फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए ये एक्सेल की फाइल है, ये आपका जो है CSV फाइल, देखिए .csv लिखा है और इसमें .xls लिखा है, तो CSV और XLS फाइल यानी कि एक्सेल की फाइल भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए हम इसको ओपन करते हैं, ये हमारा एक्सेल पे ओपन होगा, CSV भी एक्सेल पे ओपन होता है लेकिन CSV में फॉर्मेटिंग जो है कुछ अलग हो जाता है। ठीक है, देखिए ये जो है हमारा फाइल जो है कि एक्सेल पे ओपन हो रहा है, देखिए ये जो हमारा जो फाइल था ये हमारा एक्सेल पे ओपन हो चुका है। ठीक है, तो ऐसे जो कुछ भी डेटा होगा आप उसको जो भी आप उस पर अपलोड करेंगे, सर्वे करेंगे, उसका टोटल डेटा जो है कि आप चाहें तो एक्सेल में प्राप्त कर सकते हैं, तो ये हमारे लिए बहुत ही इजी होगा। ठीक है, और साथ में जो आपका मेल दिया हुआ आप यहाँ पर क्लिक करके आप चाहें तो इसको मेल भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है कि आपका मेल जो है कि इसमें लॉगिन ऑलरेडी नहीं किया गया है तो इसलिए जो है कि अभी ये सेट नहीं होगा, लेकिन मेल की भी सुविधा आपको यहाँ पर दी गई है, तो ऐसे बहुत सारी सुविधाएँ आपको मिलेंगी। ठीक है, और ये जो कोई ज़्यादा कठिन नहीं है, बहुत ही सिंपल सा इंटरफेस बनाया गया है जिससे कि जो अगर कोई कंप्यूटर नहीं पढ़ा भी अच्छे ढंग से वो भी आसानी से काम कर सके। ठीक है, केवल क्रोम को ओपन कर लीजिए, जैसा सिंपल मोबाइल यूज करते हैं बस वैसे ही आपको इसमें यूज करते जाना है। ठीक है, और पूरी डेटा जो है आपको इसमें कलेक्ट करना है, पूरे ग्राम सभा का आपको सर्वे करना होगा और पूरी डिटेल आपको इस पर बनाना होगा। ठीक है, तो जैसे ही आप पूरा सर्वे करेंगे तो आपके पास पूरा जो है जनगणना एक तरीके से हो जाएगा हर गाँव का। ठीक है, और जो कि हमारे लिए जो कि अगर हम कोई भी काम करते हैं ग्राम सभा में अपने, तो उसके लिए बहुत ही यूजफुल डेटा हमें प्राप्त हो जाएगा यहीं से। ओके, तो इस तरह से जो है कि आप इसका इस्तेमाल करेंगे।
इसमें आप लोग आईडी को लॉगिन करने के बाद पासवर्ड को भी चेंज कर लेंगे। पासवर्ड को चेंज करने के लिए मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया था, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा कैसे पासवर्ड चेंज करना है। साथ में मैं इसमें भी कुछ बता देता हूँ कैसे पासवर्ड चेंज होगा। देखिए यहाँ पे चेंज पासवर्ड का ऑप्शन दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे जो है ये डॉट बना हुआ, इस पर अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे चेंज पासवर्ड का ऑप्शन मिलता है, या फिर यहाँ साइड में भी आपका पैन में दिया हुआ है चेंज पासवर्ड का ऑप्शन, इस पर क्लिक कर लीजिए। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस तरीके से आएगा, तो लॉगिन आईडी तो आपका बिल्कुल सेम वही रहेगा, साथ में आप यहाँ पे करेंगे पुराना पासवर्ड डालेंगे, और इन दोनों बॉक्स में आप क्या करेंगे नए पासवर्ड को डालेंगे, यहाँ पे नए पासवर्ड को कंफर्म करेंगे, फिर सेव पे क्लिक कर देंगे और इस तरह से आपका पासवर्ड चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से जो है कि पासवर्ड को चेंज करके आप जो भी काम करना है, जो भी कार्य करना है, आप यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, और इसके बाद जो है कि इसके साथ में आपको जो है कि इसका मोबाइल ऐप भी आ चुका, तो मोबाइल ऐप को भी आप लोग डाउनलोड कर लें नेक्स्ट, और उस पर भी कार्य करेंगे, क्योंकि जो है कि कई जगह जो है कि आपके ऑफलाइन मोड में काम करना पड़ेगा, तो उसके लिए जो है कि आपका मोबाइल ऐप बहुत ही यूजफुल होगा। तो फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।